बागेश्वर धाम कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जानिए उनका कथा वाचक से बागेश्वर धाम महाराज बनने तक का सफर। बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, वही कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। हर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचता है दरबार। कुल देवता के मंदिर में वाचते हैं कथा। लंदन की संसद में हुए सम्मानित। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे, दावों को खारिज भी किया गया। सैकड़ों लोगों की बाबा में आस्था हिली भी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये बाबा है कौन, इनका संसार कैसा है। महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं लिया जाता। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है, ये रहस्य है। ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन दौर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेंद्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है, जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ने लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री। हर कोई अपनी समस्या लेकर पहुँचता है दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये हिट हैं। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, जो उन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। लंदन की संसद में हुए सम्मानित। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। कुल देवता के मंदिर में वाचते हैं कथा। एमपी के छतरपुर जिला में बसा है गड़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बागेश्वर धाम मंदिर, बताया जाता है कि ये शिव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेजी से नाम हुआ कि 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। कौन है बागेश्वर धाम महाराज? पूरा नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गड़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेंद्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं
उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेंद्र ने पास के ही गंज गांव से की। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता रामकृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलाते थे। धीरेंद्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला, शायद उसी का नतीजा है। धीरेंद्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। खाने तक के लाले रहते थे, जैसे तैसे गृहस्थी चलाती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। बचपन में पिता के साथ वाचते थे कथा। इस बीच पिता के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांवों में कथा बांचने लगे। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा है वो कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी जो लोगों को काफी पसंद आती थी। इसलिए उन्हें आसपास के गांवों से भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांचने में मशहूर होने लगे। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि ऐसी जगह बनाई जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गड़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों को आना जाना शुरू हो गया। अपने दादा को मानते हैं गुरु बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेंद्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही रामकथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे, लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। बड़ी तादाद में जुटते हैं भक्त धीरेंद्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में। आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुँचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग है। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफी गरीब था जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेंद्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीजें का काफी शौक रहा है जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेंद्र शास्त्री की शिक्षा अपने गाँव के एक स्कूल से प्राप्त की।
लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन ना लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्म थे वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहां आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर जाता है उनकी मनोकामना जरूरत पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहां मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहां आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। बागेश्वर धाम के टोकन क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए कैसे प्राप्त होता है टोकन? बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है, उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते, घर बैठे लगाए अर्जी। ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते, वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम कैसे पहुंचे? बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर जा सकते हैं। इसके लिए आप बस, ऑटो जैसे साधन ले सकते हैं जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देंगे। इससे आप आसानी से वहां तक पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बने कथावाचक। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही की गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथावाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पीठाधीश्वर कैसे बने? महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें वहां का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही
यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। महाराज धीरेंद्र को मिला सम्मान। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने में ही काफी गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्रीराम के जयकारे लगाए। महाराज धीरेंद्र कृष्ण एक कथावाचक हैं। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। महाराज धीरेंद्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेंद्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेंद्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। इसका मतलब ये है कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, न ही कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। महाराज धीरेंद्र कृष्ण के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट एसयूवी टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो महाराज धीरेंद्र कृष्ण वैसे तो काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आजकल काफी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 8000 रुपए है, वही प्रतिमाह वो 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ करीबन 19.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है।